Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. आज की महफिल में आप सभी का इस्तकबाल है और आज की नशिस्त के शोराए कराम जनाब गुंजन नागर साहब हैं, जो अपना तखल्लुस बकर रखते हैं। जयपुर के मुशायरों की शान बकर को पढ़ने और सुनने के बाद ना यूं मालूम होता है कि एक शायर को खुदा ने ऐसे एहसास जज्बात दिए हैं जिससे वो मोहब्बत कर सकता है और उसे ये कुव्वत भी दी है कि वो अपने ख्यालातों को उम्दा तरीके से अपनी ज़बान में पेश कर सकता है। तो बकर साहब एक ऐसे ही शायर है जिनकी गजलें, नज़में, एहसास, दर्द इस तरह लफ्जों में लिपट कर बाहर आते हैं कि सुनने वालों के दिल में भी थोड़ा सा दर्द छोड़ जाते हैं। तो बकर साहब की ये मतलब मैं कहूंगा कि खसूसियत है जिससे मुझे ना पीर ज्यादा कासिम साहब के कुछ आशार याद आते हैं। बकर साहब, एक गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द से ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। वक्त ने आरजू की लौ देर हुई बुझा भी दी। वक्त ने आरजू की लौ देर हुई बुझा भी दी। अब भी पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। तो शायर बकर हमारे ऐसे ही अजीब शायर हैं, आपको कहीं भी ले जाते हैं, किसी भी ख्याल में ले जाते हैं। तो जनाब बकर साहब का यूं इस्तकबाल करने का भी जी चाहता है कि जिस बज्म में सागर न सहबा हो न खुम हो, जिस बज्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज्म में तुम हो। बकर, और बकर साहब आपको मैं दावत देना चाहूंगा मंच पे इस शेर के साथ जो निहाल सेव राहरी साहब का है कि तुम जो आए हो तो शक्ल दरो दीवार है। तुम जो आए हो तो शक्ल दरो दीवार है और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती है। तो जनाब शायर बकर साहब, मंच आपका है, शबाए महफिल आपकी है, आप तक पहुंचा रहा हूं। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना तारुफ कराएं और जरूर कहें, क्योंकि आप तो जयपुर की शान है, जयपुर की आन है, मुशायरों की आन और बान है। ओवर टू यू बकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। सबसे पहले मैं रेडियो प्लेबैक इंडिया सजीव भाई का, मनोज भाई आपका और शैलेश जी का, सुनील जी का और जो भी लिसनर्स यहाँ पर हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मनोज भाई, इतने खूबसूरत शब्दों से आपने मुझे बुलाया है, मैं इस लायक हूँ नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ गजलें पेश करूँगा अपनी, और मैं खुद नई है गजलें तो जरूर अभी किसी प्लेटफॉर्म पर सुनाई नहीं है, तो यहीं से शुरुआत करता हूँ। मतलब पेश करता हूँ कि कोई रिश्ता कोई बंधन नहीं है, कोई रिश्ता कोई बंधन नहीं है, मुझे घर जाने का अब मन नहीं है। कोई रिश्ता कोई बंधन मन नहीं है, चला जाऊं कि अब मैं लौट आऊं, मुझे ऐसी कोई उलझन नहीं है। इस गजल की कैफियत थोड़ी अलग है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, तो अच्छा लगे तो जरूर दा दीजिएगा। कि शेर यूं है कि तेरे ही जाने से लगने लगा है, तेरे ही जाने से लगने लगा है, हृदय में अब मेरे कंपन नहीं है।
बहुत शुक्रिया कि हृदय में अब मेरे कंपन नहीं है और उजालों में अंधेरे ढूंढ लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि उजालों में अंधेरे ढूंढ लेंगे जिन्हें मालिक तेरा सुमिरन नहीं है। कभी उस प्रेम की देखो व्यथा तुम, कभी उस प्रेम की देखो व्यथा तुम, जहां राधा तो है मोहन नहीं है। और एक शेर बतौर खास इस गजल का कि आप अगर यहां तक पहुंच पाए कि यहां अब शिव की महिमा कौन गाए, यहां अब शिव की महिमा कौन गाए, ये कलयुग है यहां रावण नहीं है। ये कलयुग है यहाँ रावण नहीं है। और दो शेर और फिर ये गजल मैं समाप्त करूंगा कि कभी संदेह हो तो याद रखना अधर्मी के लिए दर्शन नहीं है। हाँ क्या बात। और मुझे अब जीत करके क्या मिलेगा, मेरा कोई भी अब दुश्मन नहीं है। हाँ बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर की, दुआ पढ़ता रहा उसके लिए मैं, सिवा इसके कोई पूजन नहीं है। हाँ मुझे घर जाने का अब मन नहीं है, मुझे घर जाने का अब मन नहीं है। शुक्रिया मनोज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बकर साहब, इतनी खूबसूरत गजल को सुनाने के लिए। वाकई आपके अल्फाज और आपकी आवाज जब कॉम्बिनेशन में आती है तो वाकई बहुत ही सुकून भरा जो है, भरी महफिल जो है बन जाती है। तो मैं शैलेश साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है वो कुछ आपके लिए कहें और अपने ख्यालात और अपने इंतखाब को हमारे साथ साझा करें। शैलेश बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बकर साहब को सुनते हुए ये तय करना मुश्किल होता है कि इनके लफ्ज ज्यादा सुंदर हैं या इनकी आवाज या इनका अंदाज। बकर साहब, आपकी दीवानगी का आलम कुछ ऐसा है जैसे अमीरों की तिजोरी में रखे पैसे, यानी कि लोग भी इतने आपको चाहने वाले हैं कि उनकी संख्या लाखों में है। और मैंने सुना है कि आप घूमने फिरने के इतने शौकीन हैं कि जंगल, बस्ती, पर्वत, कहीं भी और कभी भी आप पाए जा सकते हैं। इसी पर एक अशार अर्ज है कि बस्तियों के जंगलों से जंगलों की बस्तियों तक, बस्तियों के जंगलों से जंगलों की बस्तियों तक, रेत गीली नम समंदर, पर्वतों की हस्तियों तक, रेत गीली नम समंदर, पर्वतों की हस्तियों तक, इश्क में डूबे जहन में और दिलों में आम होगा, इश्क में डूबे जहन में और दिलों में आम होगा, बकर तुम खुद ही मिलोगे, यह तुम्हारा नाम होगा। तो बस्तियों के जंगलों से जंगलों की बस्तियों तक, रेत गीली नम समंदर, पर्वतों की हस्तियों तक, इश्क में डूबे जहन में और दिलों में आम होगा, बकर तुम खुद ही मिलोगे या तुम्हारा नाम होगा। तो इश्क में डूबे जज्बातों के अल्फाज हैं आप शायर बकर साहब, और आप जब बोलते हैं तो सुनने वाले चाहते ही नहीं कि आप कभी रुकें। सबकी ये तमन्ना रहती है कि बस आप बोलते रहें बोलते रहें। इस पर भी एक छोटा सा शेर अर्ज करता हूं कि करे बकबक कोई बोले सभी खामोश रहो, करे बकबक कोई बोले सभी खामोश रहो, रहें खामोश ये, रहें खामोश ये तो बोले कि बोलो बकर तुम। तो बकर साहब अब फिर बोलेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। इस बीच मेरी एक नज्म के चंद शेर पेशे खिदमत है, तो कबूल फरमाएं। मैंने कब नजरे तवज्जो की नवाजिश चाही, मैंने कब नजरे तवज्जो की नवाजिश चाही, जब भी चाही तेरी खामोश इनायत चाही, जब भी चाही तेरी खामोश इनायत चाही, जो खड़ी दूर तू रह दूर ही नजदीक ना, जो खड़ी दूर तू रह दूर ही नजदीक ना, ऐसी दूरी से दरमियाने मोहब्बत चाहिए,
ऐसी दूरी से दरमियाने मोहब्बत चाहिए। तो हमारे दरमियान इस समय बकर साहब है जिनको हम सब ऐसी ही मोहब्बत करते हैं, तो एक बार फिर मैं आमंत्रण देना चाहूंगा बकर साहब को कि आप फिर से आए और अपने कलाम से, अपनी मौजूदगी से इस महफिल को रोशन करें। बकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी इतने खूबसूरत शब्दों के लिए। मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं, पर बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी गजल पेश करूंगा, वक्त का तकाजा है क्योंकि मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, मुझे सुनील जी को सुनना है आगे, इसलिए। तो ये एक बहुत अलग बहर में लिखी गई है, बहुत कम यूज होती है बहर, पर मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। बहुत ताजा गजल है कि जब भी दरो दीवार देखता हूं, मैं बिगड़े हुए आसार देखता हूं। जब भी दरो दीवार देखता हूं, मैं बिगड़े हुए आसार देखता हूं। जब फूल आंगन में नहीं पनपते, तब नींव को बीमार देखता हूं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हर किसी से दिल नहीं लगाता, मैं अपना भी मेयार देखता हूं। मैं हर किसी से दिल नहीं लगाता, मैं अपना भी मेयार देखता हूं। और ये शेर बतौर खास है, मैं आपको बताऊंगा मनोज भाई कि आज तक मैंने जितने जितने शेर गजल लिखे होंगे उसमें मेरा सबसे पसंदीदा पर्सनल फेवरेट शेर है जो मैं आपको सुनाऊंगा कि तस्वीर तक जिंदा हो जाती है रोज, तस्वीर तक जिंदा हो जाती है रोज, मैं उसको इतनी बार देखता हूँ। आह आह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, मजा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी दो शेर, बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरी दो शेर और फिर अपनी जगह लूंगा। तस्वीर तक जिंदा हो जाती है रोज, मैं उसको इतनी बार देखता हूँ। तुम मोमबत्ती से उजाला देखो, तुम मोमबत्ती से उजाला देखो, मैं मोम का आकार देखता हूँ। आह क्या बात, बहुत शुक्रिया कि तुम मोमबत्ती से उजाला देखो, मैं मोम का आकार देखता हूँ। संसार सारा राम को ढूंढता है, संसार सारा राम को ढूंढता है, मैं राम में संसार देखता हूँ। दरो दीवार देख, दार्शनिक, क्या दार्शनिक, बहुत क्या दार्शनिक, बहुत 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 शुक्रिया मनोज भाई। तो बकर साहब, वाकई बहुत ही खूबसूरत गजलें और बहुत ही खूबसूरत आप लिखते हैं, और आवाज और जिस तरीके से आपकी रेसिटेशन है उसके तो हम सभी कायल हैं ही, और बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सुनील साहब से गुजारिश है मेरी कि बकर साहब की ही लिखी हुई गजल मेरे ख्याल से सुनील साहब भी गाने वाले हैं अपनी आवाज में। तो सुनील साहब, मंच आपका है, शबाए महफिल आपकी है, प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत आज की शाम रही, जो भी बकर भाई ने जो सुनाया अभी तक, मतलब उनके गजलों के तो क्या ही कहने। और अब आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बकर भाई का कि उन्होंने ये मौका दिया अपनी एक खूबसूरत गजल को मेरी आवाज में सुनाने का। सो बहुत ही खूबसूरत गजल है, और बकर साहब गुस्ताखी के लिए माजरत चाहूंगा, कोई भी गलतियों के लिए, और इजाजत चाहूंगा आपसे और बाकी सबसे कि शुरू करूं। स्वागत। एक बार बस ये बता दें कि मैं ऑडिबल हूं ठीक से? जी जी बिल्कुल जी। हम उनके जब तलक मरहम ना होंगे, हम उनके जब तलक मरहम ना होंगे, मसाइल तब तलक ये कौन ना होंगे। हम उनके
जब तलक मरहम न होंगे, मसाइल तब तलक कम न होंगे। तेरी नजरें फलक पे गर रहेंगी, तेरी नजरें फलक पे गर रहेंगी, सितारे फिर भी सितारे फिर कभी मध्यम न होंगे, मसाइल तब तलक ये कम न होंगे। मुझे अगर वक्त को आया घुमाना, मुझे अगर वक्त को आया घुमाना, दिए मुझको जो सारे गम न होंगे, दिए मुझको जो सारे गम न होंगे, मसाइल तब तलक ये कम न होंगे। अना की चाल जब दरिया चलेगा, अना की चाल जब दरिया चलेगा, अना की चाल जब दरिया चलेगा, अलकनंदा में फिर संगम न होंगे। वाह वाह। अलकनंदा में फिर संगम न होंगे, बहुत मसाइल तब तलक ये कम न होंगे, हम उनके जब तलक मरहम न होंगे, मसाइल तब तलक ये कम न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर और भी हैं लेकिन समय का तकाजा है और बहुत जल्दी मैं ये गजल जो है रिकॉर्ड भी करूंगा शायर बकर भाई के साथ। सो ओवर टू यू मनोज। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल और वाकई बकर साहब के एक तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। मैं सिर्फ एक गुजारिश सभी लोगों से करना चाहूंगा कि अगला जो कार्यक्रम है गुरुवार को, जो नेक्स्ट थर्सडे है, उसके लिए मैं सभी लिसनर्स को, जितने भी हमारे साथ सामीन हजरात बैठे हैं, तो मैं एक अल्फाज देना चाह रहा हूँ। एक शब्द है जिसका नाम जो उनवान है ख्वाब। तो आप प्लीज ख्वाब के बारे में कुछ भी लिखिए, कविता लिखिए, नज्म लिखिए, गजल लिखिए, रुबाई लिखिए, दोहा लिखिए, और theshayarizone.rpi@gmail.com पर हमें भेजिए। नेक्स्ट वीरवार को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो हमारे साथ फिफ्थ पैनलिस्ट होगा हमारे साथ, तो आप प्लीज 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 आप हमारे साथ जो है जुड़िए। और ख्वाब एक शब्द है तो आप जरूर बुनिए कुछ, कोई गजल, कोई कविता, कोई रुबाई, दोहा, और हमें जरूर भेजिए theshayarizone.rpi@gmail.com। और नेक्स्ट वीरवार को फिफ्थ पार्टिसिपेंट हमारे साथ सिलेक्टेड मेंबर होंगे, तो जरूर भूलिएगा नहीं theshayarizone.rpi@gmail.com। और बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाब, और अपने अपनी पोइट्री लिखिएगा अपने।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.